Delhi Environment Minister Gopal Rai is chairing a meeting to review the worsening air quality and the implementation of the Graded Response Action Plan in the national capital. Naveen Nishant, my colleague, is joining us on the phone line to talk more about this. Naveen, Delhi mein AQI ki jo samasya hai, aaj lagbhag 400 tak pahunch chuki hai. और जो ग्रैप का जो प्लान है जो हर साल तकरीबन इम्प्लीमेंट किया जाता है उसकी वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है. क्या नीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? ये हर साल की एक दिक्कत है जिसको दिल्लीवासी चुपचाप सहता रहता है, पर लोगों की सेहत पर जिस तरीके से असर पड़ रहा है और जिस तरीके से अस्पतालों में लोग इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं सांस ना लेने की दिक्कत से, उसको देखना और मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. हाँ बिल्कुल, देखिए बता दें कि राजधानी इंडेक्स है वो 400 के आंकड़े को पार कर चुका है और दिल्ली के जो हॉट स्पॉट हैं उनके अलग अलग इलाकों में भी जो AQI लेवल है वो 400 के आंकड़े जो अभी के समय स्थिति है वो सीवियर होती नजर आ रही है पॉल्यूशन को लेकर. राजधानी दिल्ली में जो ग्रैप का सेकेंड लेवल मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि आखिर जो ग्रैप के लॉज है नियम है उन्हें कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और बेहतर कैसे काम करे कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिले, क्योंकि 1 नवंबर से 15 नवंबर का जो समय है वो काफी क्रिटिकल माना जाता है पॉल्यूशन के लिहाज से. और आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. तो ऐसे में गोपाल राय ने तमाम विभागों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें PWD, MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ये तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुलाई थी, ऑफिशियल्स उसमें मौजूद थे और ग्रैप के जो नियम हैं उन्हें और मजबूती से इंप्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को मीटिंग में कहा गया है. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.